मिशन इम्पॉसिबल। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसे देखकर कोई भी कह देगा कि ये तो इम्पॉसिबल है। लाहौल स्पीति के बर्फीले रेगिस्तान से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल जो लोग लेह लद्दाख घूमने जाते हैं उनमें से ज्यादातर स्पीति के रास्ते आते जाते हैं। बेहद दुर्गम इलाका है ये, लोग फंसे हुए हैं और आज तमाम दूभर रास्तों को पार करते हुए एबीपी न्यूज 11,000 फीट की ऊंचाई से आपको वहां की तस्वीरें दिखाने पहुंच चुका है। ग्यारह हजार फीट की ऊंचाई जहां सिकुड़ने लगते हैं फेफड़े, जहां सांस लेना हो जाता है मुश्किल, जहां हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, वहां पहुंचा एबीपी न्यूज। तकरीबन 11,000 फीट पे खड़े हैं हम लोग, यहाँ से 17 किलोमीटर दूर फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जाएगा इंडियन आर्मी की तरफ से। ये हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला है और यहीं पर फंसे हजारों सैलानी। 23 सितंबर को हुई हिमाचल में भारी बारिश के बाद लाहौल स्पीति जिले में भीषण बर्फबारी हुई, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। अब तक जहां सिर्फ वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचे, वहां पहुंचने वाला एबीपी न्यूज इकलौता चैनल है और अब आप यहां के मुश्किल हालात को देखने जा रहे हैं। लाहौल स्पीति जिला हिमाचल का आखिरी जिला है। सैलानियों को वहां की बर्फ आकर्षित करती है, लेकिन ज्यादा बर्फबारी सैलानियों के लिए वहां मुसीबत बन गई। एबीपी न्यूज लाहौल स्पीति पहुंच चुका है। इसके बाद हम उन बेस कैंप रिलीफ कैंप्स तक भी जाएं पे जहां पे लोग बैठे हैं काफी दिन के फंसे हुए, भूखे प्यासे खराब हालत में जो लोग वहां पे बैठे हैं, हम उनके पास भी आपको लेके जाएंगे। ये लाहौल स्पीति जिले का वो एंट्री पॉइंट है जहां से आगे बढ़ने पर संवाददाता अमनदीप को ढेर सारे सैलानी मिले जो यहां घूमने आए। इनमें कई बाइकर्स भी हैं जो पहाड़ों पर कैंपिंग के लिए गए थे लेकिन वहीं फंस गए। कई दिनों बाद रास्ता खुला तो ये अब निकल पा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्टोरेंट में हम लोग किसी तरह में गुजरे, हम लोग 15 आदमी थे इकट्ठा। हम लोग कोलकाता से है, बाइक भी कोलकाता से लाया है और बहुत दिनों से घूम रहा है, कश्मीर लद्दाख पूरा घूमा, फिर अभी खत्म होने वाला था ट्रिप तो इधर आके फंस गए। लाहौल स्पीति पहुंचे हमारे रिपोर्टर को सनग्लासेस यानी कि धूप का चश्मा लगाना पड़ा है क्योंकि सूरज की रोशन बर्फ से टकराकर आंखों में पड़ने पर आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा बना रहता है। एबीपी न्यूज आपको उस चेक पोस्ट पे लेके आया है जो लाहौल स्पीति की एंट्री पे है और जहां से रिलीफ कैंप से लोग रिलीफ किए जा रहे हैं मनाली कुल्लू की तरफ। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। यह सेना की चेक पोस्ट है जहां पर लोगों की चेकिंग के बाद नीचे मनाली की तरफ भेजा जा रहा है। ये रास्ता करीब एक हफ्ते बाद खुल पाया है, अब भी रास्ते की मरम्मत का काम चल ही रहा है। लाहौल में हुई बर्फबारी में कई विदेशी सैलानी भी फंस गए थे। From where you are coming? France. So where were you stuck people? Yeah. Last three days. Yeah. इनके जैसे करीब 13,000 से ज्यादा सैलानी बर्फबारी की चपेट में आ गए थे, जिन्हें अब रोड बंद होने की वजह से सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन अब एक रास्ता खुल चुका है। आगे की दुर्गम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले लाहौल स्पीति के बारे में जरा जान लीजिए। हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला बेहद खूबसूरत है। मौसम अगर सही हो तो सैलानियों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 341 किलोमीटर दूर है लाहौल स्पीति। ये जिला दो भागों लाहौल और स्पीति रीजन में बंटा हुआ है। ज्यादा बौद्ध आबादी की वजह से स्पीति को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। लाहौल स्पीति क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ की दुर्गम परिस्थितियों की वजह से प्रति स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं।
जगह जितनी प्यारी है वहां के लोग भी उतने ही अच्छे हैं। आपको बता दें, फंसे हुए सैलानियों के लिए लाहौल के स्थानीय लोग किसी रक्षक से कम नहीं। लाहौल चेक पॉइंट के ऊपर अब हमारी टीम लाहौल स्पीति जिले के पहले गांव तेलिंग पहुंच चुकी है। 23 सितंबर के बाद अगर लगातार बर्फबारी चलती रहती तो शायद इन लोग जहां पे जो यहां तेलिंग गांव में रहते हैं तो शायद इनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता, क्योंकि यहां के रास्ते बर्फ से ढक चुके थे। खाने पीने के सामान की सप्लाई रुकी हुई थी। यहां की छतों और सड़क किनारे जमी बर्फ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत यहां क्या रही होगी। बर्फ काटने की मशीन से ये रास्ता साफ किया गया है। कई दिनों बाद जब सूरज दिखा तो लोग छत पर धूप सेकने निकल आए। क्या आपके पास कुछ टूरिस्ट भी पहुंचे थे शरण लेने के लिए जो बर्फ में फंस गए थे? हाँ जी, यहाँ पर हमारे इसी में प्रोजेक्ट के उसमें ठहराया गया उनको रात को, और रात को 2 बजे उनको रेस्क्यू कराया गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जैसे जैसे हमारे संवाददाता आगे बढ़ रहे थे, तापमान घटता जा रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी। सफेद बर्फ की भीषण ठंड के बावजूद हमारी टीम रुकी नहीं। वो आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए आगे बढ़ती रही, और थोड़ी देर में हम स्पीति जिले के कोकसर पहुंच गए, जहां हमें सेना का पहला बेस कैंप दिखा। हम इस वक्त खड़े हैं कोकसर के गेस्ट हाउस में, जहां पे ऊपर से बर्फ में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके यहां रखा गया था। ये आखिरी बेस कैंप था, रिलीफ कैंप था। ये गेस्ट हाउस कोकसर का है। ऊपर की पहाड़ी पर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर सेना की टीम यहीं ले आई थी। रास्ता खुल गया तो उन्हें नीचे भेजा गया है। जो लेडीज हैं तो वो हमें वहां नहीं मिले, तो हमने सोचा कि थोड़ा और ऊपर जाके हमें ढूंढना चाहिए। तो फिर हमारी दोबारा एक और टीम बना के हमने ऊपर भेजी, ऊपर जाके हमने उन लोगों को ढूंढा। कोकसर पहुंचकर हमारी गाड़ी ने जवाब दे दिया, क्योंकि उसके आगे ऊंचाई ज्यादा थी। उसके बाद हमें सेना की गाड़ी की मदद लेनी पड़ी। इस वक्त एबीपी न्यूज तकरीबन 11,000 फीट पे खड़े हैं हम, और अब हमारी टीम 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, जहां सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। यहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ और बर्फ नजर आ रही है। यहां ना कोई पेड़ है, ना कोई परिंदा, नजर आ रहे हैं तो सिर्फ आर्मी के जवान। इसके आगे हमारी टीम नहीं जा सकी, क्योंकि यहां रास्ता बंद है। मेरे पीछे जेसीबी मशीन चल रही है। हम ग्रम्फू से तकरीबन 3 किलोमीटर नीचे उतर चुके हैं। ये नेशनल हाईवे है जहां पे रोड क्लीयरेंस का काम चल रहा है। आर्मी और बीआरओ की टीम मशीनों से बर्फ हटाकर रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रही है। अभी 3 किलोमीटर तक क्लियर हो पाया है काजा रोड, और अभी अगले 2-3 दिन में हम इसको रोड को बहाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाहौल पहुंचने का जो दुर्गम रास्ता था उसको पार करने में हमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारी टीम मंडी से चली थी और वहां तक पहुंचने में काफी सारी मुसीबतें पेश आई। मनाली से ऊपर जाते ही सबसे पहले रोहतांग पास हमें एक बड़ी सुरंग। 8 किलोमीटर का टनल, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि ये टनल लाहौल स्पीति को कनेक्ट कर रही है, जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रोहतांग से लाहौल स्पीति जिले जाने वाली सुरंग करीब 8 किलोमीटर लंबी है। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो से अब इस टनल में घुस चुका है, जो लाहौल स्पीति को कनेक्ट करती है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं टनल के अंदर की। एबीपी न्यूज की गाड़ी इस टनल के पार निकल रही। सुरंग आधी ही बनी है, लेकिन लोगों को रेस्क्यू के लिए इसे खोल दिया गया। इसी के रास्ते हमारी टीम लाहौल स्पीति पहुंची। पहुंच चुके हैं लाहौल स्पीति वैली में, जहां भारी बर्फबारी हो चुकी है। तस्वीरें एक बार दिखाना चाहेंगे आपको बर्फबारी की। आप देखिए किस तरह से बर्फ गिरी है यहां पे। लाहौल स्पीति में ग्रम्फू से आगे हमारी टीम जा नहीं पाई, क्योंकि नेशनल हाईवे पर बर्फ जमा है, जबकि इसके ऊपर भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिनके लिए वायुसेना देवदूत बन चुके हैं। चारों तरफ सफेद बर्फ के बीच वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उतर चुका है और लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। इस बर्फीली जगह पर हेलीकॉप्टर उतारना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन लोगों की जान बचाना जरूरी है, तो वायुसेना ये खतरा लेने को भी तैयार है।
और कुछ इसी तरह से लाहौल स्पीति के छोटा दारा से 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लाहौल के बर्फीली जगहों पर सिर्फ ये हेलीकॉप्टर ही पहुंच पा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर भी लाहौल स्पीति के छोटा दारा इलाके की ही है। यहाँ भी 7 लोगों को बचाया गया। फंसे हुए लोगों के लिए मुश्किल इतनी भर नहीं, मुश्किल इसके कहीं आगे की है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में मौसम अब भी मारक बना हुआ है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और तीनों ही हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से ली गई ये तस्वीर देखिए। लाहौल स्पीति के पहाड़ पूरी तरह से बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं। यहाँ कुछ सैलानी नजर आते हैं, जगह देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है, लेकिन हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतारना बेहद मुश्किल था, तो हेलीकॉप्टर को हवा में रखकर सैलानियों को बुलाया जाता है और खासी मशक्कत के बाद उन्हें बचा लिया जाता है। सबसे मुश्किल की बात यह है कि यहाँ बर्फ तो चारों तरफ है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। थैंक यू सर। कितने दिन बाद मिला पानी आपको? 4-5 दिन के बाद पानी मिला। मिशन इम्पॉसिबल में बात लाहौल स्पीति की हो रही है, जिसकी स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां कई बार तापमान सियाचिन के बराबर हो जाता है। लाहौल स्पीति और सियाचिन दोनों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज शाम 5 बजे लाहौल स्पीति और सियाचिन दोनों जगह -8 डिग्री तापमान था। जहाँ सियाचिन ग्लेशियर के जितनी ठंड पड़ती हो, वहाँ की मौजूदा हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ठंडियों में तो यहाँ तापमान -25 से -30 डिग्री तक चला जाता है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।